ओके, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गया एंड नाउ वी आर हियर टू स्टार्ट। सो गाइस, हम लोग एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट में जाता हूँ। यहाँ पे एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन भी लिखा है सामने कि व्हाट इज एक्सेल। तो कोई भी आपको ये क्वेश्चन पूछे ना कि व्हाट इज एक्सेल, तो आंसर क्या होना चाहिए? अच्छा, इफ पॉसिबल मैं यहाँ पे टाइप करके भी रख देता हूँ आपके लिए। अच्छा, सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ एक्सेल का क्या मतलब है, हम लोग डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? हाँ yes, anyone? कोई नहीं, सिंपल। पहले तो है ना, एक्सेल का कोई भी मतलब पूछे ना, उसको सिर्फ इतना ही बोलना है, व्हाट इज एक्सेल? एक्सेल इज यूज फॉर MIS रिपोर्टिंग। अब फिर बाद में ये क्वेश्चन आता है कि सर MIS मतलब क्या? तो एनीवन, MIS का फुल फॉर्म? जस्ट अ मिनट गाइस, या गाइस, सो हम लोग कहाँ थे? क्वेश्चन वन, व्हाट इज एक्सेल? एक्सेल का फुल फॉर्म, या सॉरी, एक्सेल इज यूज फॉर MIS रिपोर्टिंग। MIS का फुल फॉर्म में हम लोग थे। अच्छा, MIS मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बाद अगर कोई पूछे ना कि क्या होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो फिर आप लोग ने कुछ कुछ दिमाग में ऐसा सोच के रखा रहेगा, जैसे कि एनीवन? इन एक्सेल वी कैन परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड मैनेज लिस्ट बाय यूजिंग स्प्रेडशीट। ये इसका दूसरा टेक्निकल आंसर। ओके, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट नंबर ऑफ लास्ट कॉलम इन एक्सेल क्या होता है? तो पहले तो हम लोग एक्सेल में आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं आप लोग के लिए आंसर्स लिख के रखता हूँ। व्हाट इज एक्सेल? एक्सेल इज यूज फॉर MIS रिपोर्टिंग। इतना ही बोलना है, एक्सेल इज यूज फॉर MIS रिपोर्टिंग। MIS मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन एक्सेल वी कैन परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड मैनेज लिस्ट बाय यूजिंग बाय नॉट माय बाय यूजिंग स्प्रेड शीट, SHIT। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सेल्स के बारे में, तो नोटपैड में आ जाता हूँ। यहाँ पे आप लोग लिखोगे तो कुछ एक्सेल होम कॉलम इन एक्सेल एंड। अब यहाँ पे कितने कॉलम्स होंगे? तो ए से लेके जेड, जेड के बाद देखो ए ए ए बी ए सी ए डी, ये सब चालू हो जाता है। फिर ए जेड खत्म होगा बी ए बी 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 सी बी डी, बी जेड खत्म होगा सी ए सी बी सी 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 डी, सी जेड खत्म होगा डी ए डी बी डी सी, फिर डी जेड खत्म हुआ ई ए ई बी ई सी ई डी। तो ऐसे लास्ट क्या होगा? तो कोई बोल रहा है जेड, जेड बोल रहा है। ओके,
तो लेट्स सी, थोड़ा सा फास्ट जाने के लिए मैं MU1 है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना ZZ1, एंटर, सीधा ZZ पे आ गया। अभी AAA, मतलब AAB AAC AAD, AZZ भी पूरा गाइस यहाँ पे खत्म होगा अगर आपको मैं बता दूँ तो। AZZ एंटर, तो फिर BAA BZZ CZZ DZZ, मतलब 26 x 26 समथिंग 500 समथिंग आएगा, तो 500 x 500 होते ही जा रहा है ये। तो अब लास्ट क्या होगा, सो जस्ट यू नो सांसें थाम के रखिए। चलो मैं बता देता हूँ, लास्ट कॉलम XFD है, XFD। ये बड़ा ही ऑड नंबर आया यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम, ऐसा ही पहले भी आया था, IV करके कुछ आया था 2003 के वर्जन तक, उसके बाद इन्होंने अभी इसमें 3 डिजिट्स डाल दिया। अच्छा, अभी यहाँ पे पहले तो उसका कुछ ये था, यू नो जितने कॉलम्स थे ना उतना स्क्वायर होके नंबर्स ऑफ रोज भी होता था, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी मतलब अगर इसको आपका होमवर्क रहेगा, ये है ना नंबर्स में कितना होता है, नंबर ऑफ एक्सेल, नंबर ऑफ कॉलम्स इन एक्सेल, नंबर ऑफ कॉलम इन एक्सेल, ये आपका काम है। आप ढूंढ के मुझे बताओगे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो आप इसको ऐसे ड्रैग भी आप कर सकते हो, ये छोटा सा बॉक्स है ना, इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हो, तो देखो 14 15 आ जाएगा। अब लास्ट कितना आता है वो आप बताओगे। अभी नंबर ऑफ रोज के ऊपर आ जाता हूँ मैं, रोज जैसे 1 से लेके 2 तक है, तो चलो नीचे जाते हैं, पेज डाउन। हाँ, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, चलो फटाफट बोली लगाओ, बोली 10,000 से चालू करते, जल्दी जल्दी, कोई 10,000 वाला है? हाँ, 10,001 लग गई, चलो। और 10,001 एक बार, 10,000 दो दो बार, 10,000 तीन तीन बार, और हार गए। ओके, नेक्स्ट बोली, नेक्स्ट बोली, एक ने बोला 50,000, ठीक है। चलो अभी फास्ट जाते हैं, फास्ट जाने के लिए अगेन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ये मैंने 56,000 ही सीधा लिख दिया, और एंटर, 56,000, और आप हार गए। नेक्स्ट बोली, एक ने 1,00,000 बोली लगाई, चलो 1,00,000, ये 100, 10,000, 10,000, 1,00,000, एंटर, और ये 1,00,000 तीन बार, हार गए। अभी 10 बार वाली, अच्छा चलो 10,00,000 एक बोल रहा है, एक जीरो और लगा देता हूँ, 10,00,000 एक बार, दो बार, तीन बार, और आप हार गए। अब कितनी होगी, अच्छा एग्जैक्ट इज 10,48,576 है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ रोज 10,48,576। अभी नंबर ऑफ शीट्स, अब मैं बता दूंगा गाइस आपके कंप्यूटर में रैम कितना है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। शॉर्टकट है Shift+F11 डालो तो Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3 जाते जाएगी। ये देखो 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, अब मेरे कंप्यूटर की जितनी ताकत होगी ना उतनी शीट्स आ जाएगी। लेट्स सी, चलो आज तो वीडियो हैंग होने तो चलेगा। मैं बता दूं 5,000 तक तो मैं गया हूं, मुझे याद है, उसके बाद कंप्यूटर हैंग हो गया था, तो 500 तक तो पहुंच गए हैं, देर नहीं लगेगी, बट ये वीडियो लंबा हो जाएगा। एंड चलो 1,000 तक तो पहुंच गए यार, 8 GB रैम है, कोर i5 प्रोसेसर है, ऐसे मत करो मेरी इज्जत दांव पे लगी है। मैंने पहले ही बोला था अगर यू नो 1K सब्सक्राइबर्स हो गए ना तो उस दिन फिर नया लैपटॉप लूंगा। हाँ, और 4,000 का वॉच आवर भी, 1,300, 1,400 ऑलमोस्ट, 1,500 तक पहुंच गए हैं। तो गाइस ये आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, लास्ट आपके कंप्यूटर में कितना जाता है। और हम आज के लिए यहीं पे इसको छोड़ दें, क्योंकि प्रैक्टिकल भी करना है। चलो ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं फाइल में जाता हूँ, इसको सेव एज करके रखता हूँ, अनलिमिटेड है, डिपेंड्स ऑन योर कंप्यूटर मेमोरी होल्ड। ओके, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स इसमें ही डालूंगा मैं, और आपको बताऊंगा भी। अभी हम लोग न्यू शीट पे काम करते हैं, ये देखो एक कंट्रोल एन दबाया तो इतना टाइम ले रहा है, बिकॉज ऑफ ये शीट काफी हैवी हो गई, अभी सेव भी कर दी ना अभी तो। ओके, 5 और क्लोज,
एंड अभी न्यू पेज ले लेते, तुरंत स्टार्ट। सो आई होप गाइज यहां तक सबको क्लियर है। अभी हम लोग स्टार्ट करें आगे एडवांस वाला पार्ट, जिसके अंदर सेल्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे। एडवांस मतलब नेक्स्ट स्टेप है, इट्स नॉट एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल बेसिक होके ही हम जाएंगे। यहाँ पे डिपेंड्स ऑन योर कंप्यूटर मेमोरी होल्ड। अच्छा, नाउ व्हाट इज सेल? आंसर इज सेल इज इंसर्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम। सिंपल मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अभी ये सेल नंबर क्या है इसका? D10। तो ये D के अंदर है और ये 10th वाला, तो अभी यहाँ पे क्लिक किया ये K और यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट, तो इसका इंसर्शन पॉइंट क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट पॉइंट हो रहा है K10। तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करते तो A1 सबसे पहला है, सबसे लास्ट वाला क्या है? XFD1048576। ओके, अभी कौन सा है? XFD1 है। अभी कौन सा है? A1 है। गाइस इतना याद रखने की भी जरूरत नहीं, ऊपर देखो नेम बॉक्स है, इसमें दिखता रहता है, खाली इसको ध्यान रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्रिएट द फॉलोइंग रिकॉर्डिंग, मार्कशीट बनानी है, स्कूल का नाम लिखना है, तो इवन माय स्कूल नेम इज सेंट जेवियर्स वाला ही हुआ है, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल यहाँ पे डाल दिया है, सीरियल नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, नेम डाल देते हैं, इंग्लिश हिंदी मराठी टोटल परसेंट के बाद रिजल्ट, रिजल्ट के बाद ग्रेड। अच्छा अभी यहाँ पे सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे नाम डाल देते हैं। अच्छा आपको स्क्रीन में शायद दिख नहीं रहा रहेगा तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये लो निखिल, निखिल के मार्क्स यहाँ पे डाल दिए, एक्चुअली रिवर्स है, मराठी में 80 के आसपास था, हाँ इंग्लिश में ज्यादा थे, मराठी में उससे कम थे, हिंदी में उससे भी कम थे। दीपक राम श्याम श्याम, चलो अभी आगे यहाँ पे टोटल करना है। टोटल करने के लिए मैं क्या करूंगा? इक्वल्स टू लूंगा। इक्वल्स टू के बाद देखो हर फॉर्मूला गाइस इक्वल टू से ही स्टार्ट होता है। सम इज यूज फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो सम ब्रैकेट ओपन। अभी क्या प्लस करना है आपको? तो मेरे को है ना C3 प्लस करने का है, C3 में 74 है, तो 74 लिखो कि C3 लिखो? गाइस 74 लिखोगे तो भी काम होगा, मतलब 74, 85, 96 ब्रैकेट क्लोज, तो भी आंसर इज सेम। बट अभी इधर समझो 85 किया तो इधर चेंज हुआ नहीं हुआ, इसके लिए आप लोग को यहाँ पे लिखना चाहिए सेल नंबर। सेल नंबर क्या है? C3 कोलन, कहाँ तक है? E4 तक, E3 तक है, E3 ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो 244। अब यहाँ पे देखो बेनिफिट क्या, अगर मैंने वैल्यू चेंज किया तो आंसर ऑटोमेटिक चेंज, यहाँ पे 89 आ गया, यहाँ पे 84 आ गया, यहाँ पे 86 आ गया, तो ये देखो 259 टोटल यहाँ पे चेंज होते हुए आया। तो ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया यहाँ पे। ओके गाइज नेक्स्ट है मर्ज एंड सेंटर। अच्छा पहला क्वेश्चन तो क्रिएट द फॉलोइंग रिकॉर्ड था, सेकेंड क्वेश्चन बोला मर्ज द स्कूल नेम फ्रॉम A1 to I1, तो ये A1 से सिलेक्ट किया, ये पूरा I1 तक लेके आया, फिर यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर में मर्ज एंड सेंटर कर देते तो काम हो गया। उसके बाद गाइज नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन टोटल करना, वो तो मैंने कर दिया। कैलकुलेट परसेंटेज, तो परसेंटेज यहाँ पे कर्सर इक्वल टू, हर फॉर्मूला इक्वल टू से ही स्टार्ट करना है। परसेंटेज किसके ऊपर होता है? टोटल के ऊपर होता है। कैलसी में कैसे निकालते? टोटल डिवाइड बाय 300, तीन सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट 100 मार्क का है, तो 300 आउट ऑफ हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज के लिए हम लोग डिवाइड बाय 100 करते हैं, नहीं मल्टीप्लाई बाय 100, या तो 86.33। सो गाइस यहाँ पे आ गया सर, न ये बहुत ज्यादा लग रहा है डेसिमल्स, तो यहाँ पे ऊपर डिक्रीज डेसिमल का एक ऑप्शन है, कितना चाहिए कर सकते हो, दो तो रखना चाहिए। अब रिजल्ट के ऊपर है, गिव रिजल्ट एज पास और फेल इन H3 H7 बेस्ड ऑन ऑल मार्क्स शुड बी मोर देन इक्वल टू 35। अच्छा 35 से ज्यादा अगर सब सब्जेक्ट है तो पास, 35 से अगर कम है तो फेल।
इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। गाइस थोड़ा यहाँ पे यू नो आई नो चार फॉर्मूलाज है, सारे फॉर्मूला बताने के बाद आपको फॉर्मूलाज में विजिबल रखता हूँ ताकि आप लोग उसको कॉपी कर सको। एंड आई होप सब लोग कॉफी लेके बैठे हैं बिकॉज यू नो एक्सेल कर रहे हो तो माइंड एकदम अलर्ट चाहिए। एंड इफ ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद ए एंड डी ब्रैकेट ओपन, एंड भी हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। अब किसके ऊपर ये टोटल होगा? इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश का वैल्यू मोर देन इक्वल टू 35 होगा कॉमा, हिंदी का भी वैल्यू मोर देन इक्वल टू 35 होगा कॉमा, मराठी का भी वैल्यू मोर देन इक्वल टू 35 होना ही चाहिए तो ही ब्रैकेट क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड। अगर ये सब कंडीशन मीट हुआ तो वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू में हम लोग डालेंगे डबल इन्वर्टेड में पास, डबल इन्वर्टेड क्लोज कॉमा, फिर वैल्यू फॉल्स। अगर ये मैच नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फेल, ब्रैकेट क्लोज। पास आया, अब इसको 34.50 कर देता हूँ तो देखो तो भी फेल है, 35 होगा तो ही पास होगा। सी, तो दिस वाज योर पास वाला रिजल्ट का आंसर। फॉर्मूला एक बार चाहिए तो देख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो। अगेन ग्रेड है इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, ग्रेड का कंडीशन है 6। अच्छा रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे लिखा है, तो ए प्लस कब होगा? जब 75% से ज्यादा होगा। ए कब होगा? जब 60 से 75 के बीच में होगा। बी कब होगा? जब 50 से 60 से के बीच में होगा। सी होगा 35 से 50 के बीच में, और डी होगा 35 से भी कम। तो वापस यहाँ पे आ जाते इफ परसेंटेज, ना परसेंटेज मोर देन इक्वल टू 75 कॉमा डबल इन्वर्टेड ए प्लस फिर कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज मोर देन इक्वल टू 60 कॉमा डबल इन्वर्टेड ए ग्रेड फिर कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज मोर देन इक्वल टू 50। गाइस आप अगर नोट करोगे ना, फॉर्मूला है ना ए प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, वहीं पे खत्म हो रहा है। जहां से इफ चालू हो रहा है ना वो कंडीशन रिपीट हो रहा है, कि वहां पे भी पांच कंडीशन है तो वो पांचों कंडीशन यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अब मोर देन जी थ्री मोर देन इक्वल टू 75 ए प्लस हो गया, अगर परसेंटेज के बॉक्स में 60 से ज्यादा है तो ए, अगर परसेंटेज मोर देन इक्वल टू 50 है तो उसको क्या देंगे? बी देंगे कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन अगर परसेंटेज मोर देन इक्वल टू 35 है तो कॉमा डबल इन्वर्टेड हम उसको डी ग्रेड देंगे, नहीं नहीं सी ग्रेड देंगे कॉमा, अगर अभी 35 से कम रहेगा तो डी देना है। तो कुछ लिखो ही मत, वैल्यू इज फॉल्स। अगर इनमें से एक भी कंडीशन मीट नहीं हो रहा है ना तो उसको बाय डिफॉल्ट डी ग्रेड ही देना है, और मैथ्स का रूल है जितनी बार ब्रैकेट ओपन किया उतनी बार क्लोज करना है। क्लोज किया, एंटर मारता तो देखो ए आ गया। अब मैं पहले बढ़ा के दिखाता हूँ, यहाँ पे 95 डाल दिया, देखो ए प्लस हो गया। अब रिवर्स ऑर्डर चलता हूँ, चलो यहाँ पे 34, 36, यहाँ पे 31, तो देखो डी ग्रेड डिटेंड आ गया, फेल भी रिजल्ट आ गया। हाँ ये वो मेरे को नहीं है फेल, हाँ मैं पास हो गया था। अब यहाँ पे यहाँ तक डन। अभी एक काम करते हैं, सर ये सारे फॉर्मूलाज मुझे देखने हैं तो मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्मूला है ना इसको F2 बटन दबाता हूँ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे होम बटन दबाता हूँ। होम में ये स्टार्टिंग में आता है स्पेस बटन एंटर, तो ये देखो ये फॉर्मूला ओपन हो गया। सेम यहाँ पे भी करता हूँ होम बटन और स्पेस एंटर। स्पेस देने से क्या होता है, वो फॉर्मूला है ना इक्वल टू से स्टार्ट हो रहा था, अब स्टार्ट में मैंने स्पेस दे दिया तो उसमें वो लेगा ही नहीं, आंसर अप्लाई नहीं करने देगा। अब थोड़ा सा रिजल्ट का वैल्यू बढ़ा दिया, ग्रेड का वैल्यू बढ़ा दिया, अब ये दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पे रेड टेक्स्ट कर दिया, तो देखो सबके फॉर्मूलाज दिख रहे हैं आप लोग को। हाँ तो अभी ये फॉर्मूलाज आप लोग अच्छे से नोट कर लो, एंड फिर हम लोग क्या करेंगे आगे दूसरे टेबल की तरफ बढ़ेंगे। हाँ दिस इज द एग्जैक्ट मोमेंट जहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज सारे फॉर्मूलाज वहाँ पे अवेलेबल है एक ही स्क्रीन पे, एंड एक 5 मिनट्स ले लो, ये ट्राई करके देखो फिर आगे बढ़ते। ओके आई थिंक सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। किसी को यहाँ पे कोई क्वेरीज आ रही है?
सो ओके जस्ट अ मिनट, मैं रिकॉर्ड यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। हाँ।